नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूँ। अति महत्वाकांक्षा इंसान की राह हमेशा भटका देती है। आइए देखते हैं मंटू दूध वाले की कहानी, जो अपनी और अपनी बीवी की चाहतों के चलते क्या क्या करने वाला है। अब तुम चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अरे तो जाओ ना, हम काम मना कर रहे हैं। एक महीना जाओ, दो महीना जाओ, छह महीना अपनी अम्मा के पास गाँव में जाकर बस जाओ, लेकिन अपने बाबू से रुस कर तो मत जाओ ना। रूसेंगे नहीं तुमसे। कब से कह रहे हो, ला रहे हैं, दे रहे हैं। तुम ना सिर्फ हमको बेवकूफ बनाते हो, अब अकेले बनाओ, खाओ और सो। अकेले बनाओ और खाओ। अरे जाने मन, हमें ये समझ नहीं आता तुम इतने जालिम कैसे हो सकती हो। देखो तुम्हारा बाबू तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये सब नहीं चाहिए हमको। हमको 10 तोले का हार चाहिए और तुम पक्का पक्का बताओ कब लाके दे रहे हो। अरे जाने मन, अब तुम्हें कैसे समझाएं, जिस खेल के अंदर सारा काम किस्मत का होता है उसमें कुछ पक्का नहीं ना होता है। अरे हम तो तुम्हारे ठहरे बाबू कलाकार, तो हमारी नजरें हर टाइम गड़ी है। जिस दिन हमें वो 10 तोले का हार दिखा, हमारे हाथ में आया और 10 तोले का हार वो सीधा तुम्हारे गले में ऐसे लाकर डाल है कि ना? देखा है ना तुम्हारा बाबू कलाकार, हाथ की सफाई तुम्हारे बाबू की। कलाकार नहीं, अय्याश चोर है हमारा बाबू। हम समझते नहीं है क्या? और हम देख रहे हैं अब तुमको चोरी से ज्यादा ना औरत में मजा आ रहा है। अब जाने मन, बात सुन, बैठो बैठो। तुम गुस्सा बहुत करते हो अपने बाबू पर। तुम्हें सुबह जाना है ना, तो चले जाना, कम से कम थोड़ा तो प्यार से बात कर लो। वो क्या है ना, जो रात है ना वो अच्छे से गुजर जाएगी हमारी। अब प्यार हमारी जिंदगी में तभी आएगा जब हमारे गले में 10 तोले का हार, और वो भी सोने का। तुम जितनी जल्दी हार ले आओगे, हम उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। और वो दूध, दूध दुहोगे भी तुम और पहुंचाओगे भी तुम, और वो भी टाइम से। दूध दुहेंगे भी हम, पहुंचाएंगे भी हम, फिर तो खाना सब्जी झाड़ू पोछा वो भी हम ही करेंगे। तो इंसान शादी का ही करता है। हो जाओ। हाँ सो रहे हैं, तुम तो सो। इंसान को शादी नहीं करना चाहिए। दूध ले लीजिए। रेखा। हाँ। दूध ले लो। डॉक्टर चिल्लाने से मना किए है ना, रुकिए आ रहे हैं। तुम कौन और मुनकी कहाँ है? हम हैं मंटू, मुनकी के घर वाले, उसके हस्बैंड। वो क्या कि अपने गांव अपनी अम्मा के पास गई है, और जब तक वो नहीं आएगी हम आपके यहाँ दूध पहुंचा देंगे। पर उसने तो कल हमसे कुछ भी नहीं कहा। भाभी जी, आप तो अच्छे से जानती होंगे कि पति पत्नी के बीच में कब खटपट हो जाए, तो वो समय भी नहीं जानता। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसको मना लेंगे। ये देखिए, अपने हाथ से लिखा है हमारे लिए। इसका मतलब है बाबू, हम प्यार से बाबू बुलाते हैं और हम उसे जाने मन बुलाते। तुम दूध दो और जाओ भाई, हम ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहे हैं, हमारे कमरे में चाय ले आना। जी। ये लीजिए। अच्छा मैडम जी, एक बात और कहें, हम ना हलवाई भी हैं, कभी हमारे हाथ से मीठा बनवा कर देखिए। जो हमारे हाथ से मीठा बनता है ना, उसमें मिठास ही मिठास होती है। मौका देकर देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। तुम दूध वाले भी हो, मिठाई वाले भी हो, और क्या क्या कर लेते हो? हम कलाकार सब कुछ कर लेते हैं, कभी मौका दीजिएगा। चलते। मंटू नाम याद रखिएगा, मंटू दूध वाला, रोज दूध देने आएंगे अब हम। अरे चाय ने देर करा दी आज, दूध वाले से बात करो तुम, और बॉस की डांट खाए हम। अरे तो वो मुनकी का आदमी है ही अजीब, कोई देख करके कहेगा भला कि वो दूध वाला है।
उसके तेवर कुछ अजीब ही थे। मुनकी भले अल्लड़ है पर वो दूध वाला तेज है। अब सुबह सुबह तुम हमको ताना मारने लग जाओ, हम भी तेज हैं, अभी थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है। हाँ। टिफिन कहाँ है हमारा? आपके बैग में रख दिए। गाड़ी आ गया है, हम जा रहे हैं। ठीक है। ना 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 ना। दूल्हे का अम्मा जी, अम्मा जी। ए, अंदर का गुस्सा चला रहा है। उतर उतर, नीचे नीचे उतर। ए, उतर रहे हैं, अब क्या वापिस चले जाए अम्मा? तुम कौन हो और वो दूध वाली कहाँ है? ए, अम्मा कहा बताएं, आज हमारा दिन सारा ना इसी में निकल गया बताने में कि हम हैं मंटू मनकी के आदमी, जानी की उसके हस्बैंड, और अब से हम ही दूध देने आएंगे। जब तक वो नहीं आती, वो गई अपनी अम्मा के पास। बस बस बस, कितना बोलता है, समझ गए हम, तुम मुनकी के मरे दो। सही पकड़े अम्मा, आज 2 किलो खीर बना लेते हैं। किलो अम्मा, 2 किलो दूध। हम बोले तुमसे 2 किलो, 1 किलो डालो खीर। अरे 2 लोग ही तो हैं हम घर में, 1 किलो से बन जाता है। अम्मा 2 किलो चाय के बाद कम पड़ जाता है। लो अम्मा ले लो। 1 किलो आज नहीं बनेगा खीर। खीर नहीं खिलाएंगे क्या बहुरानी को? इतना जुलुम। अच्छा जुलुम, अभी बताते हैं हम तुमको जुलुम। अरे हमको ना देखना, हमें कुछ हो गया तो हमारी भैंसिया का दूध कौन निकालेगा? जा रहे से। हम पर जुल्म करेंगे, बताओ। बड़ा आया 2 किलो लेने वाला। मैडम जी, मैडम जी। अरे ये क्या कर दिया, पूरा कीचड़ भर दिया। क्या बताएं मैडम जी, हमारे पैर ने कीचड़ में धस गए जाकर। अब हमें समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ जाकर साफ करें, तो हमारे दिमाग में ना आपकी छवि आई। आप बहुत अच्छी हैं, आप हमारी मदद कर देंगी, तो बस। अरे आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये सब हम साफ कर देंगे। बस इसे साफ करने के लिए बताइए कहाँ जाएं। अच्छा ठीक है, सामने बाथरूम है, तुम वहाँ जाकर के धो लो। यहाँ चले जाए? हाँ जाओ सीधा। इसकी चिंता मत कीजिए, हम साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ पहले धो लो पैर। बहुत अच्छी हैं आप। अच्छा मैडम जी, जिस इंसान में इंसानियत ना हो ना, तो वो इंसान का है। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। कहाँ मनुष्य, दिन चढ़ा है, पैर गंदा हो गया है हमारा। अरे बाप रे बाप, मैडम इतना बड़ा बाथरूम है आपके यहाँ, हमारा तो कमरा है इतना, बताओ। क्या बात है मैडम जी, बहुत ही बढ़िया। आज डांट खानी पड़ गई हमको। आप जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? ये कीचड़ कहाँ से आया? वो हम बाहर बागीचे में पानी डालने गए थे, तो वही बस थोड़ा सा कीचड़ हो गया, हम साफ कर दे रहे हैं अभी। अरे हम फाइल भूल गए थे घर पे, फाइल लाके दो हमारी जल्दी। हाँ हम लाके दे देते हैं। कपड़े कहाँ सारे? मैडम जी पता नहीं, बंद बंद किसे होता है, बंद किसे होता है? तो हम देखते हैं। अरे कितना टाइम लगेगा भाई। अरे देख कर चलो, और भीग कैसे गई हो? अरे वो अंदर बाथरूम का झरना रुक ही नहीं रहा है, मैंने ट्राई। उसके हैंडल का वॉशर खराब है, रुको मैं ठीक करता हूँ। अरे नहीं आप रहने दीजिए, आपको देर हो रही है ना, आप जाइए, हम कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता। अरे नहीं आप सुनिए तो। अरे तुम रुको, मैं ठीक करता हूँ। बचा लेना। अरे बाप रे, ये देखो कैसे झरझर झरझर बहे जा रहा है,
पानी बर्बाद किए पड़ा है। रुको, हम अभी ठीक करते हैं। हम बोले थे ना, इसका इलाज है हमारे पास। अब चलो फाइल दो हमको जल्दी से। हाँ। अरे वाह, पुराने जाने मन को याद कर रहे थे, परमानेंट फैमिली का फोन आया है। हाँ जाने मन। बाबू मिला दस्तोला। वाह जाने मन वाह, अपनी माँ के पास गाँव जाकर सीधा मतलब की बात। प्यार मोहब्बत कुछ ना ही। अरे प्यार मोहब्बत का ही तो पूछ रहे हैं, मिला जो हमको प्यारा है। हाँ आया है नजर में, दो औरत नजर में आया है। तुम औरत पे जरा कम नजर रखो और गहने पर ज्यादा, तब तो काम बनेगा ना कलाकार बाबू। अरे बाबू तुम काम की चिंता ना करो, वो तो हो जाएगा। हम क्या कह रहे, तुम्हारे बाबू का ना तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, आ जाओ। जैसे ही काम बने ना हमको खबर करो, झट से आ जाएगी बाबू की जाने मन। ठीक है? ठीक है जाने मन, करते हैं कुछ। ठीक है चलो रखते हैं। अब जाने मन को वापिस लाना है तो 10 तोला पहले लाना पड़ेगा। बीबी जी दूध ले लीजिए। आइए बीबी जी दूध ले लीजिए। मैडम जी कल तो हमें सांप पकड़ ही लिए थे। पर तुम कल गए कैसे थे? अरे हम आपको बताए तो थे, हम कलाकार हैं, हम रास्ता बना लेते हैं अपना। अब दूध लीजिए। आज भी लेट करवाओगे क्या? सांप घर पर है क्या? लगता है उनको गर्मा गर्म चाय चाहिए। आप हमारी डेयरी का फ्रेश दूध लीजिए और गर्मा गर्म चाय पिलाइए। और हमको खीर चाहिए, सिखाओगे? जरूर सिखाएंगे, हम तो बस अभी यूं गए और यूं आए। ठीक है अब चाय पिलाइए। चाय। अरे अम्मा दूध ले लो, जल्दी आओ, जाना है। अम्मा कल भी पानी बहुत था दूध में, आज कितना है बता दो तुम पहले हमें। अम्मा एक बात बताओ, हमका हम अपनी भैंसिया को कहे चारा कम खाए पानी कम पिए तो क्या वो करेगी? क्या मानेगी हमारी बात? नहीं मानेगी ना, तो जैसा खाती है वैसा ही दूध देगी ना। जल्दी दूध लीजिए, हमको बहुत काम है, हमको जाना है। अरे तो हमका बिना काम के बैठे है? कल दूध फट गया तो तुम्हारा? दूध फट गया था हमारा? नहीं फटा था अम्मा, ठीक तो था। Thank you.
एक बात कहें, आपकी बहुरिया शर्माती बहुत है। अरे तो तू भी कुछ शर्म कर, बता इसमें कितना पानी डाला है। अब पैसा काट के देंगे हम तुम्हें, बोल रहे हैं पहले से। अरे अम्मा, जितना पैसा काटना है काट लो, दूध लो, हमको जाना है जल्दी, तुमको कह चुके हैं काम है हमें काम। तो दे और दबाओ यहाँ से। कभी पानी ज्यादा है, कभी दूध फट गया है, यही काम रह गया है। दूध वाला कि नखरे तो देखो इसके। ये लीजिए आपका रुमाल और पर्स। थैंक यू। और कुछ भूल नहीं रहे ना, अच्छे से देख लीजिए। कल भूल गए थे क्योंकि लेट हो गए थे, आज सब कंट्रोल में। अच्छा टिफिन का है हमारा? आपके बैग में रख दिए। और हाँ, वो आपकी बीपी की दवाइयाँ भी उसी में है। अच्छा अच्छा, देखो फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ आप ठीक से जाइए। हाँ चल। हेलो, दुठो किलो दूध में पाओ किलो चावल। और उसके बाद कर्ची उठाई और हल्की सी। तुम कब आए और कैसे? अरे मैडम जी, आप हमें ना बहुत हल्के में लेते हैं। हम आपसे क्या कहे थे, हम क्या है, कलाकार। और कलाकार अपना रास्ता खुद बना लेता है। जिस रास्ते से हम कल गए थे, आज उसी रास्ते से हम आ गए। आपके घर के पीछे का दरवाजा, वैसे उसकी ना कुंडी टूटी हुई, ठीक मत कराइएगा। वो क्या है ना कि हमारे आने जाने में आसानी रहती है। आप भी ना कलाकार बाबू, एकदम गजब है। गजब तो है ही, लेकिन अब सबसे जरूरी बात, खीर को बनाने का नुस्खा, ये दूध और चावल की चाल को समझना। और उसमें सबसे जरूरी काम करती है ये करछी। बताएं कैसे? आइए हाथ दीजिए, ऐसे ऐसे पकड़िए, दूसरा हाथ लाइए। अब बस इसको ऐसे करके धीरे से इस करछी को ऐसे घुमाना है। थोड़ा सा धीरे से घुमाइएगा, खराब हो जाएगा ना, ऐसे मिठास नहीं आएगी। कि जब प्रेम से कोई चीज बनती है ना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। वैसे मैडम जी, आपके हाथ बहुत कोमल हैं। और आपकी बातें भी कलाकार बाबू। तो बड़ी अच्छी आ रही है। आंखें बंद कीजिए फिर, अब हम जादू करेंगे ना। खुशबू आ रहा है, बहुत बढ़िया। आपका हार गिर गया मैडम जी। हाँ कोई बात नहीं, उसे रख दो। यहाँ रख दें? हाँ यही रख दो। वैसे मैडम जी, आपका चेहरा बता रहा है कि मतलब खीर जो है भरपूर मिठास से बनी। गजब, सच्ची में गजब। वैसे एक बात कहें, ऊपर वाला ना आपको बहुत ही गजब बनाया है। गजब मतलब इतना गजब की तारीफ करें ना, तो तारीफ करते करते हम थक जाएं, लेकिन तारीफ नहीं थकेगी। और अगर तारीफ थक जाए तो? अब अगर तारीफ थक जाए तो एहसास की तारीफ, आँखों से तारीफ, तारीफ। चुरा कर नहीं लाए हैं, बस ले आए हैं तुम्हारी याद की खातिर। तुम्हारी खुशबू की खातिर। है लोग प्यार भी नहीं करने देते हैं। अरे जाने मन लो,
आ जाने मन। 10 तोला मिल गया क्या? मिला नहीं है, बस समझो कि मिल ही गया है। अरे हम इतने साल से समझ ही तो रहे हैं, तुम ना सुधरोगे नहीं, फिर से फंस गए ना किसी नारी के चक्कर में। अरे पर प्यार तो तुमसे करते हैं, ये तो जानती हो ना तुम। यही जो तुम्हारा कलाकारी है ना, बस बड़का बड़का बात करना, इसको थोड़ा कम करो और काम पर ध्यान दो, ठीक है? अच्छा हाँ, वो रेखा के घर में थोड़ा होशियार ही रहना, साहब जी बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ वो कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जानते हैं हम। पर वो साथ वाले घर वाली बुढ़िया है ना, वो तो बहुत ही दुष्ट है यार, अपनी बहुरिया को घर में बंद करके रखती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो देखी होगी उसकी बहुरिया को, कैसी है वो? अच्छा बताएं हम तुमको बहुरिया कैसी है। बस तुम इतना याद रखो कि उस घर में माल बहुत है, पति दुबई में काम करता है, सोना भरा हुआ है, तुम उस पर ध्यान दो बस, ठीक है? हाँ हाँ जानेमन, हाँ बस तुम आ जाओ ना वापस। बहुरिया कैसी है मैं क्या पता असली माल क्या है और क्या नहीं, तुम्हारे लिए तो 10 तोला माल है, हमारे लिए बहुरिया भी तो माल है। आए आए। मैडम जी कलर तो बहुत ही बढ़िया लाई हैं, और मतलब मजा ही आ गया कलर देखकर। मेरी याद सिर्फ तुम्हारे लिए। मैडम जी क्या बताएं, आपकी याद तो ना मतलब हमारे सांसों में रहती है, हम जब भी सांस लेते हैं ना तो हर जगह आप ही आप होती। सच्ची कह रहे कलाकार साहब, आप कोई मौका नहीं छोड़ते ना तारीफ करने का। अब मैडम जी हम कहें तो मौका तो हम आपको भी दे रहे हैं तारीफ करने का, तो आप भी कर सकते हैं वैसे, बताएं। हाँ शुक्रिया। ये देखो हम आपके लिए क्या बना के लाए, मिल्क केक। मैडम जी हम तो आपके चेहरे से समझ गए इसका स्वाद कैसा है, लेकिन आप अपने इन खूबसूरत होठों से थोड़ी सी इस दूध वाले की तारीफ कर देंगे ना तो हमारा जिंदगी एकदम सफल हो जाएगा। कलाकार जी आपकी तारीफ तो होनी ही चाहिए, आपकी मिठाई ना एक नंबर है। बस एक नंबर है? हाँ तो और कैसी तारीफ चाहिए आपको? मैडम जी आप भी कभी कभी ना बात ऐसी कर देती हैं, हम तो कह रहे थे कि थोड़ा प्यार से हमारी तारीफ कर देते अगर, मतलब समझ रही हैं पूछे। पर अभी नहीं, उनके आने का टाइम हो रहा है। अरे उनके आने से पहले थोड़ी सी तारीफ। अरे पर छोड़ो वो आ गए, तुम जाओ जल्दी। अबे यार जिंदगी बर्बाद चल रही, कोई भी कभी भी जाओ ना। तो देखे ये देखिए अपने हाथ से लिखा है हमारे लिए, इसका मतलब है बाबू, हमें प्यार से बाबू बुलाती और हम उसे जाने मन बुलाते। दूध वाले का रुमाल हमारे बेडरूम में कैसे? ये देखिए आज हमने मिल्क केक बनाया। हमारे जाने के बाद घर में कोई आया था? नहीं काहे, झूठ बोल रही हो ना? झूठ बोल रही हो तुम? आपसे ये क्या है, देखो किसका है ये? कोई तो आया था यहाँ पर। अरे नहीं कोई तो आया था, बिल्कुल झूठ बोल रही है तुम आपसे, झूठ बोल रही होती हूँ, झूठ बोल रही हो ना? शांत हो जाइए, डॉक्टर कहे हैं ना कि ज्यादा गुस्सा करेंगे तो क्या हो सकता है, कोई नहीं आया था, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बोल रही हो तुम झूठ, सच का ही बता रही हूँ। मैडम जी दूध ले लीजिए, गर्मी बहुत पड़ रहा है। नहीं चाहिए दूध, और आज के बाद यहाँ आना भी मत, चलो यहाँ से। नहीं चाहिए साहब, कल ही बता देते तो हम आज आते ही ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, हम आपके लिए दूध लेकर आए, अब मैडम जी को बुलाइए, हम उन्हीं से हिसाब कर लेंगे। हिसाब हिसाब चाहिए ना तुमको, ये रखो निकलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो यहाँ से।
साहब आप एक बार मैडम जी को बुलाइए ना, हम उनसे बात कर लें। अब ना तो यहाँ पर मैडम जी आएंगी और ना तुम आओगे। चलो चलो यहाँ से। एक बार आज के बाद आना भी मत यहाँ पे। आज सोचा था और कहा हो गया यार, भाई साहब ने सारा पैसा वापस कर दिया हमको, ऊपर से 10 तोले का हार भी हाथ से चला गया। रात को चाने मन को जवाब क्या देंगे समझ नहीं आ रहा है, चेक चेक करके जान खा जाएगी हमारी। ऊपर से मैडम भी हाथ से चली गई भे, और एक ये मैडम है जो अपनी शक्ल दूध अम्मा मंदिर गई है, आज एकादशी का व्रत है ना। हाँ, खीर बनी क्या? हाँ बनाए तो थे पर इतना खास नहीं बना। अरे तो हमसे सीख लीजिए ना। अरे हम तो हलवाई। ओहो, हम इतना बोलते हैं लेकिन अपना परिचय तो देना ही भूल गए आपको। क्या है ना, हम हलवाइयों के परिवार से हैं। हम आपको कह रहे हैं हम ऐसी खीर सिखाएंगे आपको कि मतलब आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। चलिए बताइए आपका रसोई घर कहाँ है? चलिए। अरे क्या सोच कह रही, चलिए ना मैडम, चलिए चलिए चलिए। बस इतना ही डालना है और उसके बाद करछी को ऐसे घुमाएंगे हम। ये लीजिए मैडम जी हमारा कार्ड, इसमें हमारा फोन नंबर और हमारा पता दोनों है, रख लीजिए। अच्छा सबसे जरूरी बात, जिसके हम स्पेशलिस्ट है, हाँ, थोड़े से पढ़े लिखे हैं ना, तो क्या है खीर बनाने का सबसे जरूरी नुस्खा जो है कि दूध और चावल के चाल को समझना है, और उसके अंदर सबसे जरूरी काम करती है ये करछी। आइए सिखाते हैं आपको। पकड़ी है, आइए आइए। वैसे मैडम जी, हाँ? आपके हाथ बहुत कोमल हैं। और आपकी बातें कलाकार जी, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे हम तो आपसे कहे थे एकदम खास खीर बनाना सिखाएंगे, आज आपको खीर बनाना सिखाएं। भाई बहन आपको सिखाएंगे बनाना हलवा। ये क्या हो रहा है? अरे अम्मा जी, तू हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे अम्मा जी हम तो खीर सिखा रहे थे। ऐसे किसी आदमी को अंदर लेते हैं? नहीं अम्मा जी, हम तो बस खीर बनाना सीख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूध वाला हलवाई भी है। वो या कोई भी आदमी हो, किसी को अंदर नहीं आने देना है, सुना तूने? जी भगवान। ये लीजिए मैडम जी हमारा कार्ड, इसमें हमारा फोन नंबर और हमारा पता दोनों है, रख लीजिए। वैसे हमको क्या जरूरत पड़ेगा इसका? कभी मीठा खाने का मन करेगा हमें फोन कर दीजिएगा, हम भागे भागे आएंगे, आपको मीठा बनाना भी सिखाएंगे और खिलाएंगे भी। इस वक्त यहाँ पर मैडम जी, आप इस वक्त यहाँ? वो आप बोले थे ना कि आप मालपुआ बनाना सिखाएंगे। हाँ हाँ, आप जो कहेंगे वो बनाकर खिलाएंगे हम आपको। रसोई खराब हो रहा।
तुम्हें प्यास पीना नींद खोल देती। बहुरिया पानी भी नहीं रखा है। बहुरिया कहाँ गई? बहुरिया जिंदगी एकदम झंड हो गया है हमारा। भाई जाने मन घर जाकर बैठ गई है और हम यहाँ सूखा खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। टमाटर जैसा जिंदगी हो गया जाने मन के बिना। बताओ, रस है पर मजा नहीं है जिंदगी में। मैडम जी ने बुलाया है। मैडम जी ने हमको बुलाया है, अब तो हमको जाना पड़ेगा। क्या हुआ अर्जुन? ये क्या हुआ? कौन मारा आपको? तुम्हारे साहब जी मारे हमको बहुत। साहब मारे? काहे मारे? पर साहब कहाँ है अभी? तुम्हारे सर पे खड़े। बोलो, ये रुमाल तुम्हारा है ना? तुम आए हमारे कमरे में, जान से मार देंगे अब तुमको। अरे हटो साहब। अरे काहे आप हमें मार डालेंगे? कहानी तुम बना रहे हो, फंसा हमें रहे हो बीच में। मारते हैं आप अपनी मिसिस को हैं? आपकी कंप्लेंट करेंगे, पुलिस आएगी, ले जाएगी जेल में, धर देगी आपको। देखिए अभी करते हैं कंप्लेंट। तुम हमारे घर में गुस्सा है, जेल हमको होगी। अरे आप गुस्सा कम कीजिए, डॉक्टर मना किए आपको। अरे तुम्हें ही तो बांधेंगे, तुमने मारा ना हमारी मैडम जी को। हमें जेल काहे होगी? तुम हमारे घर में गुस्सा है तो जेल तुमको होगी ना, सजा होगी तुमको। अरे डॉक्टर आपको डॉक्टर कहे थे ना कि आप गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैम साहब हम कह रहे थे हम फोन पे पता ले लेंगे। कलाकार बाबू कह रहे थे ना हम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हो गया आपको? थैंक यू कलाकार बाबू। आज कैसे खाएंगे? आज हम तुमको सिखाएंगे बातें। महंगा होगा ना? हाँ, 5 लाख का है। 5 लाख का? अरविंद लाए थे पिछली बार दुबई से, अब और आ रहे हैं। बेशर्म कुलचनी, खानदान का नाम खराब कर दिया तूने। आ रहा है ना अरविंद, फिर देखती हूँ मैं तेरा क्या करना है। अब तो तुझे तेरी सही जगह दिखानी पड़ेगी। और तू, तुम्हें तो भेजेंगे हम जेल। हम क्यों जाएंगे जेल? हाँ तुम जाओगे जेल। हम नहीं जाएंगे जेल। जेल जाएंगी आप, सजा होगी आपको। आप अपनी बहुरानी को उसका मनपसंद खाना तक तो खाने नहीं देती हैं और घर में ऐसे कैद करके रखती जैसे पिंजरे में पंछी को कैद किया हो। अभी रपट करवाते हैं आपके, देखो। अच्छा आने दो अरविंद को, तुम्हारा क्या करना है वो ही देखेगा के। अब चल तू। क्या चल रहा है जिंदगी में यार? ये मैडम भी हाथ से गई, ये भी, दूसरा ढूंढना पड़ेगा।
कहते रहे ना कि गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए, डॉक्टर मना किए, पर नहीं सुनी हमारी। अब देखिए क्या हालत हो गई। मैडम जी आ गए हम। अरे साहब नमस्कार। अरे मंटू जी आई, आपसे भी कुछ दिल की बात कर ही लेते हैं। दिल की बात जी कहिए। आप कहते थे ना हमेशा कि मैडम जी हम कलाकार हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। तो हम भी वो कलाकार हैं जो बिना कुछ किए दूसरों से अपना सारा काम करा लेते हैं, जैसे आपने किया हमारे लिए। मैडम जी आप बहुत मजाक किया है, हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं किए। अरे ये आपने किया ना हमारे लिए। अब ये देखिए इनकी इस हालत की जिम्मेदार अकेले मैं थोड़ी ना हूँ। मतलब देखिए इनका ये सब कुछ पाने के लिए और इनसे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हार्ट अटैक। अब इनके बढ़ते ब्लड प्रेशर से तो हम सालों से खेल रहे थे, पर इनके बढ़ते ब्लड प्रेशर को और बढ़ाने के लिए हमें एक छोटी सी सुई की जरूरत थी। और फिर आपके बड़बोलेपन ने हमारा काम कर दिया, हमने आपसे रिश्ता बनाया और आप हमारी बसुई बन गई। अब देखिए ना इनका ये सब कुछ हमारा है और हमारे हाथ बिल्कुल साफ। तो अब से मैं आजाद हूं और आप भी। मतलब वो जो हमारे वो हाँ, आज से ना आप अपने रास्ते हैं और हम अपने रास्ते। अब से हमारा ये सफर यहीं तक था। और कलाकार बाबू आज से इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद। अब क्यों जी, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। दरवाजे बंद करवा रहे हैं ऊपर वाले, कल रात के बाद पता नहीं वहां क्या हाल होगा। बस अपने शिष्य पर एक कृपा करिएगा, उसके दरवाजे खुले रखना, बस वो हमारा 10 तोला सोना उनकी की उम्मीद उसी घर पर तो टिकी है। खानदान का नाम खराब कर दिया तूने। आ रहा है ना अरविंद, फिर देखती हूँ मैं तेरा क्या करना है। अब तो तुझे तेरी सही जगह दिखानी पड़ेगी। काट रहे थे अम्मा जी, हम आपकी जिंदगी का ही बत्ती काट दिए। हेलो हेलो मंटू, हमें बहुत डर लग रहा है, घर में कोई घुसा है, चोर है शायद, और बिजली पे चला गया है। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। कहाँ है मैडम? वो अंदर है, अभी देखते हैं इसको। रुको रुको रुको,
ले लो, अपने पास रखो। मैडम जी क्या बुद्धि है आपके पास, इंप्रेस कर दिया आपने, हम इसको देखते हैं, रुकिए। एक तीर से दो शिकार, गलती और सबूत दोनों ही मिटा दिए। हेलो 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 हेलो, सब के सब आजाद। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, और यही हुआ मंडू दूधवाले के साथ। गलत काम, गलत चाह का अंजाम गलत होना तय होता है, और यही हुआ इस कहानी में। अपनी इच्छा शक्ति पर संयम ही खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.